नमस्कार, न्यूज टीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। हर समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जी, बोर्ड डायरेक्टर के पद से अब एचएस बावेजा को हटा दिया गया है। उत्तराखंड उद्यान विभाग के निलंबित निदेशक है एचएस बावेजा। निदेशक बावेजा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और सचिव स्तर की जांच में बावेजा ने दो बिंदुओं पर अपना जवाब नहीं दिया था। तो आपको बता दें कि बीज खरीद समेत कई मामलों में भ्रष्टाचार को लेकर बावेजा पर यह जांच चल रही है और अब टी बोर्ड के डायरेक्टर पद से भी हटा दिए गए हैं। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, टी बोर्ड डायरेक्टर के पद से हटाए गए हैं अच्युत बावेजा। भ्रष्टाचार के कई मामलों पर इन पर जांच चल रही है। उत्तराखंड उद्यान विभाग के निलंबित निदेशक है अच्युत बावेजा। निदेशक बावेजा के खिलाफ सचिव स्तर की जांच चल रही है। जानकारी ली है कि दो बिंदुओं पर जो उन पर आक्षेप लगे हैं, उन्होंने जवाब अभी उनका नहीं आया है, और जैसे ही जवाब आएगा और परिभाव पत्र आएगी उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने, क्योंकि डिपार्टमेंट को चलाने के लिए उन पर काफी मुझे भार दिखाई देता था, इसलिए हमने टी बोर्ड से उनको हटा दिया है। टी बोर्ड पर हमने एक किसी अन्य व्यक्ति को जो है नियुक्त किया है, और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी, फाइल आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून से बड़ी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी का नाम सामने आया है। ईओडब्ल्यू अब 200 करोड़ की हेराफेरी की जांच करेगी। आरडीएफडी के फर्जी खाते होने का आरोप है। फर्जी खातों के जरिए काले धन को वैध करने का भी आरोप है। 50 लोगों की फर्जी एफडी आरडी खोलने का खुलासा किया गया है। म्यूचुअल बेनिफिट्स के नाम पर कंपनी ने हेराफेरी की। कंपनी में इस सलाहकार की पत्नी 2017 और 20 तक डायरेक्टर रही है। त्रिवेंद्र रावत के सलाहकार केएस पवार से जुड़ा ये पूरा मामला है। पूर्व सीएम रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के, और उनके सलाहकार रहे हैं केएस पवार एक वक्त पर। उनकी पत्नी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में सामने आ रहा है। 200 करोड़ की हेराफेरी की जांच अब ईओडब्ल्यू की तरफ से की जाएगी। केएस पवार की पत्नी पर फर्जी खातों के जरिए काले धन को वैध करने का आरोप है। एक कंप्लेंट आई है स्पेस सोशल म्यूचुअल बेनिफिट फंड लिमिटेड कंपनी के खिलाफ। उस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो उसको ईओडब्ल्यू को जांच दी गई है। तो जैसे जांच में आएगा सामने, उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकायत की थी। विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाया था कि पूर्व सीएम के सलाहकार ने अपनी पत्नी के नाम एक कंपनी बनाकर 180 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कराया था, और जब जांच पड़ताल की गई तो कंपनी में मृतकों के नाम और कई गरीब लोगों के नाम से फर्जी तरीके से फिक्स डिपॉजिट किए गए। जांच में विधायक के आरोप सही पाए गए हैं, जिस पर उमेश कुमार ने खुशी जताई और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग उन्होंने की। मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री जी को भी की थी, ईडी को भी की थी और सरकार को भी, तो इसमें जांच शुरू हो गई थी। उस जांच में गंभीर आरोप जो लगाए गए थे उनको सही मानते हुए सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है कि इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगा। तो मुझे लगता है अभी हमारा मामला सही लाइन पर जा रहा है, दोषी पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि 180 करोड़ रुपया ये आम आदमी का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, यहीं से लूट के कंपनीज में जमा कराया गया, कैश डिपॉजिट्स बनाए गए, तो इसकी जांच होना आवश्यक है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पवार उनकी पत्नी की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड के मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने सरकार पर हमला बोला है, सुनिए जरा पहले क्या कहा उन्होंने। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी और त्रिविंदर रावत जी की पटरी आपस में नहीं बैठ पा रही है, ऐसे में एक बार फिर ये मामला खोल दिया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल के लिए कहा गया है, जो कि उसी वक्त हो जानी चाहिए थी। तो प्रचंड बहुमत के ये फायदे होते हैं, जब चाहें तब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे दें, जैसे हाकम सिंह, जैसे केएस पवार, और जब चाहें तब उन लोगों का खुलासा कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक की नब्ज या टेटवा दबा कर रखती है, समय आने पर
जैसी जब जरूरत पड़े उस समय नब्ज को जोर से दबा दिया जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा जो ये पूरा मामला है, पहले तो इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा कि ये क्या पूरा मामला है, और इसी के साथ साथ ये कि अभी तक कहां तक जांच हुई है, क्या क्या जांच में सामने आया है। सुरेंद्र, देखिए जांच तो अब शुरू होगी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, यानी आर्थिक अपराध शाखा उत्तराखंड पुलिस की, उसको ये पूरा मामला दिया गया है और वो मामले में जांच शुरू करेगी। जो विधायक उमेश कुमार ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने ये कहा है कि कई मृत लोग और कई ऐसे लोग जो गरीब लोग थे जिनके खाते वहां नहीं थे, उनके नाम से FD वहां कराई गई, उनके म्यूचुअल फंड्स लिए गए उनके नाम से, जो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन है, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम का उल्लंघन है। इस पर उन्होंने आरोप लगाया था और ये आज से 2 साल पहले सदन में भी ये पूरा मामला उठा था। जब कांग्रेस के विधायकों ने सदन में इस मामले को उठाया था, तब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, KS पवार उनके औद्योगिक सलाहकार थे और उन्हीं की पत्नी इस कंपनी में डायरेक्टर थी जो सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड है। बाद में उनकी पत्नी ने इससे इस्तीफा भी दे दिया था। इस मामले पर अब आर्थिक अपराध शाखा यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है उत्तराखंड पुलिस की, वो जांच करेगी जो आरोप विधायक ने लगाए हैं, और उन तमाम दस्तावेज को लेकर जांच होगी। और अगर इसमें चीजें सामने आती हैं, अगर इसमें आरोप पुष्ट होते हैं, तो फिर ऐसे में KS पवार और उनकी पत्नी उनकी कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और दूसरा बड़ी बात यह है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, भाजपा की ही सरकार थी, तो इसलिए कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस सीधे तौर पे अब वर्तमान सरकार से लेकर पूर्व सरकार पर हमला कर रही है और ये कह रही है कि सदन में हम पहले ही इस मामले को उठा चुके थे और हमने कहा था कि ये कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग है और ये पद की आड़ में पूरी तरीके से ये पूरा मामला किया गया था, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो अब इस मामले पे जांच शुरू होगी और कहीं ना कहीं तो इस मामले पर आगे जांच शुरू होगी। AOW को इसकी जांच सौंपी गई है। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ CM की बैठक हुई और CM धामी ने सेंसर बोर्ड चेयरमैन प्रसून जोशी के साथ ये बैठक की। सचिवालय में CM धामी ने बैठक की है। उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने को लेकर इसमें चर्चा हुई है। प्रदेश की प्रतिभा को निखारने पर चर्चा हुई। ललित कला केंद्र बनाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। फिल्म के क्षेत्र में प्रदेश के विकास पर भी चर्चा हुई है। तो ललित कला केंद्र बनाने पर भी चर्चा हुई है। ये बैठक की तस्वीरें हम उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ CM पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। धामी ने सेंसर बोर्ड चेयरमैन प्रसून के साथ ये बैठक की है और सचिवालय में CM धामी ने ये बैठक की, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और फिल्म सिटी बनाने को लेकर भी, कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाई जाए उसको लेकर भी चर्चा की गई है। इस बैठक में प्रदेश की प्रतिभा को निखारने को लेकर भी चर्चा हुई। सचमुच में उत्तराखंड जो है कल्चर की भूमि है, संस्कृति की भूमि है और साहित्य की भूमि है, कला की भूमि है। तो यहाँ पर कैसे साहित्य कला के क्षेत्र में विस्तार हो और फिल्म सिटी, चूँकि यहाँ पर लंबे समय से खोलने का विचार है, उस विचार को भी आगे बढ़ाया है हम लोगों ने और इस पर चर्चा हुई है मेरी आज सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी जी से। और साथ ही साथ में कोई फिल्म के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं, एक इंस्टीट्यूशन कोई इस प्रकार का खोला जाए, और साहित्य कला परिषद है, ललित कला अकादमी है, इन सभी पर आगे चलकर, क्योंकि इनको बनाकर आगे आकर हमारी प्रतिभाएं हैं, उन सबको एक मंच मिले, एक अवसर मिले, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर होने जा रहा है, जो मसूरी में होगा। 22 से 24 नवंबर तक ये चिंतन शिविर होगा। पहले रामनगर में चिंतन शिविर की तैयारी चल रही थी, लेकिन भारी बारिश के अलर्ट के चलते ये शिविर वहां पर रद्द किया गया। PM मोदी के निर्देश पर ही ये शिविर, चिंतन शिविर हो रहा है। PM ने कुछ नया करने का निर्देश दिया है, रूटीन काम से कुछ हटकर करने का निर्देश दिया है। तो मसूरी में ये चिंतन शिविर होगा। PM के निर्देश के मुताबिक चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिंतन शिविर में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मसूरी में ये चिंतन शिविर होगा, जो आपको बता दें कि 22 से 24 नवंबर तक चलेगा।
जिसमें पहले रामनगर में चिंतन शिविर आयोजित करने को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन क्योंकि रामनगर में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है, इस वजह से वहां पर इस शिविर को रद्द किया गया और अब मसूरी में इसे आयोजित किया जा रहा है। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन मोड में दिखे। सीएम ने आज सुबह रानीबाग स्थित एचएमटी परिसर का निरीक्षण किया और इस दौरान जिले के सभी अधिकारी वहां पर मौजूद थे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने एचएमटी परिसर के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही, साथ ही एचएमटी की 45 एकड़ जमीन को हस्तांतरित कर राज्य को एक नई सौगात दी। राज्य सरकार को मिलन नहीं चल रहा है, राज्य सरकार को जमीन गई है, हमारी सरकार की तरफ से जमा करवा दिया गया। इसके लिए पूरा हम रद्द एक मास्टर प्लान के तहत या सभी विश्लेषण करने के बाद तो यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम हो सकता है, उद्योग के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में उसका आकलन करेंगे और उसका आकलन करने के बाद। और हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किए। आज सुबह देहरादून रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुशीला अस्पताल पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की व्यवस्थाओं का हालचाल जाना। सुशीला तिवारी अस्पताल में सुधार लाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और अस्पताल प्रबंधन से कहा है कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसका प्रस्ताव बनाकर वो सरकार को भेजे, जिससे जल्द से जल्द उन पर काम किया जा सके और अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जा सके और बेहतर किया जा सके। इसी दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी में सारे काम कैलेंडर के हिसाब से तय होते हैं और ये सब कुछ एक संगठन की प्रक्रिया है। यहाँ से मैंने उनको प्रधानाचार्य जी को कहा है, जो भी यहाँ पर जरूरत है प्रशासन को अपना प्रस्ताव दे दें, हम लोग उस पर गंभीरतापूर्वक जो है विचार करेंगे और उस पर पूरा करेंगे। हमारे यहाँ पर संगठनात्मक जो पुनर्गठन की जो प्रक्रिया है वो बन रही है, सब काम हमारे यहाँ एक कैलेंडर के अनुसार होते हैं। कैलेंडर पर जब जिसका समय आता है तब वो काम होता है। और देहरादून से बड़ी खबर है, निलंबित सचिव की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुकेश सिंघल के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। विधानसभा में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई। विवादित कंपनी को भर्ती के लिए ठेका देने का आरोप लगा है। लगभग 60 लाख का अग्रिम भुगतान था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से आपको बता दें, निलंबित सचिव की अब मुश्किलें और बढ़ सकती है, ये जानकारी मिल रही है। मुकेश सिंघल के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज कर दी गई है। विधानसभा में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल विवादित कंपनी को भर्ती के लिए ठेका देने का इन पर आरोप लगा है। लगभग 60 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया है, यह आरोप इन पर लग रहा है। विधानसभा में प्रशासनिक स्तर पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मुश्किलें बढ़ती हुई मुकेश सिंघल की अब नजर आने लग रही है। उत्तराखंड विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है। यूके SSSC में आरोपी कंपनी से विधानसभा भर्ती परीक्षा कराने और अग्रिम 59 लाख रुपए के भुगतान को लेकर जांच शुरू हो गई है और इस मामले में उत्तराखंड स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने कहा है कि मुकेश सिंघल के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्रवाई शुरू हो गई है, देखिए सिस्टम होता है, कार्रवाई शुरू हो गई है और धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। हम लोगों ने अपनी जो कार्रवाई जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कार्रवाई होती है वो हमने शुरू कर दी है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब नकेल कसना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्व IFS किशन चंद अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे बचने के लिए किशन चंद ने बीजेपी नेता सुरेश राठौर के दरबार में शरण ली। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने किशन चंद को 15वें अखाड़े का महामंत्री बनाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ विजिलेंस किशन चंद के खिलाफ जांच कर रही है। ये हमने श्री गुरु रविदास अखाड़े का जो पहले से भी चल रहा था, हमने सारे लोगों को इकट्ठा करके फाइनल स्टेज लेकर के इसे अखाड़े का रूप दिया है।
और हमारा ये मानना है कि ये हमारा 15वां अखाड़ा होगा। हम जो मुख्य अखाड़े हैं उन लोगों से वार्ता करेंगे और किसके साथ हमें चलना है, साहियों में, स्नान में, कहां हमें क्या करना है, हम वो विचार विमर्श करेंगे, उन्हीं के साथ हम चलेंगे। श्री गुरु रविदास अखाड़ा के नाम से हमारा अखाड़ा होगा और पूरे देश के अंदर, देश और दुनिया के अंदर काम करेगा। किशन चंद जी महामंत्री के रूप में काम करेंगे, योग्य अधिकारी हैं, IFS हैं, बुद्धिजीवी हैं और अखाड़े के महामंत्री के रूप में काम करेंगे। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के दौरान से रखे हुए तमाम शहरों, महानगरों, सड़कों और संस्थाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें लैंसडाउन का नाम बदलने को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लैंसडाउन का नाम कालों का डांडा रखे जाने की चर्चा है, लेकिन लैंसडाउन विधानसभा से विधायक दिलीप रावत का कहना है कि लैंसडाउन का नाम बलभद्र नगर होना चाहिए, क्योंकि सूबेदार बलभद्र सिंह पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने लैंसडाउन में सेना स्थापित की थी। देखिए, हमने पूर्व में जब सीतारमण जी रक्षा मंत्री जी थी तो हमने उस समय कहा था कि भाई जितने प्रतीक हैं अंग्रेजों की गुलामी के उनको समाप्त कर देना चाहिए, तो हमने सुझाव दिया था कि लैंसडाउन का नाम भी, क्योंकि ये एक अंग्रेज अफसर के नाम पर है, इसे बदल देना चाहिए। कालों का डांडा पुराना नाम है लेकिन क्योंकि ऐतिहासिक नहीं है, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो पर्यटन क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है, तो मैं समझता हूँ कि विदेश के, बाहर के जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए ज्यादा आकर्षित नाम नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बलभद्र ज्यादा सबसे उचित नाम है। हरिद्वार दौरे पर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष का देव संस्कृत विश्वविद्यालय का दौरा आपको दिखाएंगे। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुए, छात्रों ने लोकसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत वहां किया। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम थे। हरिद्वार स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में 72 छात्र छात्राओं को PhD की उपाधि और टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए थे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां आध्यात्मिक, संस्कृति, विज्ञान, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति निर्माण और निर्माण के साथ युग निर्माण की शिक्षा दी जाती है। आने वाले समय में यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक के राजदूत के रूप में देश में भी और देश के बाहर भी भारतीय संस्कृति और ज्ञान को प्रज्वलित करेगा। गोपाष्टमी के मौके पर सीएम धामी सुबह सुबह गौशाला पहुंच गए। गौशाला में सीएम धामी ने गाय को रोटी खिलाई और उनकी सेवा की। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को गोपाष्टमी की बधाई दी और शुभकामनाएं दी, साथ ही गौ सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करते भी नजर आए। और वक्त बड़ी खबर का, एगाज बकवाल पर सार्वजनिक अवकाश, सीएम के आदेश पर शासनादेश जारी किया गया है। 4 नवंबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एगाज बकवाल पर सार्वजनिक अवकाश का निर्देश दिया गया है। एगाज बकवाल, आपको बताएं कि उत्तराखंड के टिहरी रीजन में बकवाल का मतलब होता है दीपावली, तो दीपावली के दिन जो उत्तराखंड में मनाई जाती है दिवाली के 11 दिन बाद, उसको सार्वजनिक अवकाश को लेकर सीएम की तरफ से अब आदेश दिया गया है। 4 नवंबर को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं आपको। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ तक जाने वाली श्री गंगा कलश यात्रा ऋषिकेश पहुंची। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा सहित कई श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। मौके पर गंगोत्री धाम के मुख्य रावल शिव प्रकाश महाराज से आशीर्वाद भी लिया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारे वहां लगाए हैं। तो श्री गंगा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया है। गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ जा रही है दरअसल ये यात्रा।
श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। फूल बरसाते हुए उन्होंने श्री गंगा यात्रा का स्वागत किया है। गंगोत्री धाम से पशुपतिनाथ की तरफ यात्रा जा रही है और भव्य स्वागत होता हुआ नजर आया है। माँ गंगे के जयकारे लगते हुए नजर आए हैं। गंगोत्री धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ तक जाने वाली श्री गंगा कलश यात्रा ऋषिकेश पहुंच चुकी है। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा सहित कई श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। मौके पर गंगोत्री धाम के मुख्य रावल शिव प्रकाश महाराज से आशीर्वाद भी लिया। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारे लगाए हैं। तो श्री गंगा यात्रा पर फूल भी बरसाए गए हैं। आयुष्मान योजना में लापरवाही पर एक्शन। 3 अस्पतालों को 1 महीने का नोटिस दिया गया। अस्पतालों की निष्क्रियता के चलते ये नोटिस दिया गया है। पात्र लाभार्थियों को इलाज नाम देने का आरोप इन पर लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है ये 3 अस्पताल। ओजीएमसी अस्पताल देहरादून को नोटिस दिया गया है तो जीडी अमृतसर आई क्लिनिक देहरादून को भी नोटिस दिया गया और जीडीआई अस्पताल बाजपुर को भी नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की अस्पतालों की निष्क्रियता के चलते ये नोटिस इन अस्पतालों को दिया गया है। जीडीआई अस्पताल जो बाजपुर में है उसको भी नोटिस जारी किया गया है। पात्र लाभार्थियों को इन्होंने सुविधा नहीं दी उसके चलते यही आरोप इन पर। 3 अस्पतालों को 1 महीने का नोटिस दिया गया है। आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध है यह 3 अस्पताल लेकिन पात्र लाभार्थियों को इलाज ना देने का इन पर आरोप लगा है जिसके चलते अब प्रशासन की तरफ से इन पर कार्रवाई हुई है और इन 3 अस्पतालों को 1 महीने का नोटिस दिया गया है। बागेश्वर जिले के एक युवक ने अग्निवीर में चयन ना होने पर जहर खाकर जान दे दी। युवक की मौत से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अग्निवीर भर्ती में चयन ना होने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या की बात कह रहा है। युवक की मौत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जंगल में लापता 5 ट्रैकर्स का रेस्क्यू जारी है। ट्रैकिंग पर आए 5 लोग लापता हुए थे। रास्ता भटकने से जंगल में गुम गए थे ये 5 ट्रैकर्स। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची तो जंगल में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। जंगल में एसडीआरएफ ने कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया है। कड़ी मशक्कत के बाद 5 ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। सहसपुर इलाके में ट्रैकिंग के लिए आए थे 5 युवक, रास्ता भटकने से जंगल में खो गए थे। युवकों के जंगल में खो जाने के बाद डीसीआर देहरादून ने एसडीआरएफ को सूचना दी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने जंगल में कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। काफी देर तक तलाशी के बाद एसडीआरएफ टीम को सफलता मिली है। टीम ने 5 युवकों को सुरक्षित जंगल से निकाला और सहसपुर थाने पहुंचाया। नैनीताल से बड़ी खबर है। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई पूरी हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हल्द्वानी के वनभुलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। कल कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों का प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया। जनहित याचिका पर 2 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नैनीताल में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं में बने झूला पुलों की मेंटेनेंस को लेकर सभी जिले के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कमिश्नर से सभी डीएम को अपने अपने क्षेत्र में बने पुलों का स्थलीय निरीक्षण करने और जहां जरूरत है वहां मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही पुलों की निगरानी और मानक से अधिक संख्या में आवाजाही न होने देने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। अभी मैंने दोनों पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर्स प्लस जिला पंचायत प्लस इरिगेशन जिनकी भी संपत्तियां हैं जिसमें किस तरह के बिजनेस स्थित हैं सभी से रिपोर्ट भी मांगी और सभी को डायरेक्शंस भी दिए डीएम्स को कि अपने स्तर पे इनको चेक जरूर करवा लें और कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जो प्रिवेंट हो सकता है समय रहते उसके लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाने वो लेने चाहिए।
चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने थराली विकास खंड के पैनगढ़ गांव के पास हो रहे भूस्खलन का निरीक्षण किया। गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन और पूर्व में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। डीएम ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भूस्खलन की चपेट में आने वाले मकानों में रह रहे लोगों के जल्द से जल्द विस्थापन के लिए मातहतों को निर्देश दिया है। तो हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है, विस्थापन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने थराली विकासखंड के पैनगढ़ गांव के पास हो रहे भूस्खलन का निरीक्षण किया। गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन और पूर्व में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। डीएम ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भूस्खलन की चपेट में आने वाले मकानों में रह रहे लोगों के जल्द से जल्द विस्थापन के लिए मातहतों को निर्देश दिए गए हैं। तो विस्थापन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं। प्रभावित लोगों से डीएम ने मुलाकात की और जब जिलाधिकारी ने मुलाकात की तो उसी दौरान की तस्वीरें, विस्थापन की व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों से मुलाकात की गई है, उनकी जो तमाम परेशानियां अभी है उनको जाना गया है, उसके निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। चमोली के डीएम है हिमांशु खुराना, जो थराली के विकासखंड के पैनगढ़ गांव पहुंचे थे।